जैसे हेल्थ इश्यूज भी होने लगे थे अच्छा, मुझे, थोड़ा थोड़ा चेस्ट पेन होने लगा था बिल्कुल, और कहीं पढ़ने मन नहीं लगता था, और एक जगह बैठे जाते थे तो बैठे जाते थे, थोड़ा बहुत चल लिया तो सांस फूल आती थी था, मैं तो फैमिली फंक्शन तक अवॉइड कर देता था। सो व्हाट इज अप एवरीवन, हाउ आर यू, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ अ ब्रांड न्यू सेगमेंट आज की चर्चा। और आज की चर्चा में मैं और आप एक ऐसे फाइटर से मिलेंगे जिसकी लाइफ में पेशेंस, डिटर्मिनेशन और सेल्फ बिलीफ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है और हमें भी यही बरतने को सिखाता है। बट फर्स्ट, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग दिस पर्सन, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि इट्स जस्ट नॉट द 100 पाउंड्स ऑफ वेट फैट दैट ही हैज़ लॉस्ट, बट इट्स अबाउट द कॉन्फिडेंस, द सेल्फ बिलीफ, द पावर टू हैंडल द सिचुएशंस एंड द पॉजिटिव वाइब्स जो इन्होंने अपनी 14-15 मंथ की फैट जर्नी के दौरान पाया है। सो विदाउट एनी फर्दर एडियो, आई वेलकम मिस्टर अनुभव ऑन आर आपकी चर्चा, एंड नाउ वील हैव अ स्मॉल कन्वर्सेशन विद हिम, एक छोटी सी गुफ्तगू करते हैं। हाय गाइस, सो व्हाट वाज द मेन रीजन, क्या क्या मेन कारण थे जिसकी वजह से आपका वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया था? आई वॉज अ फैट किड फ्रॉम चाइल्डहुड, यस, तो मैं बचपन से खाने पीने की कोई रोक टोक नहीं थी, मम्मी पापा की तरफ से कोई रोक टोक नहीं थी, तो फिर धीरे धीरे मैं वेट गेन करता गया। लेकिन जब क्लास, मुझे लगता है मेरा पुशअप जो वेट गेन का हुआ वो क्लास 6 में हुआ, और मैं वेट कॉन्स्टेंटली गेन करता गया, और मैं जैसे मैं देख रहा था, आई नोटिस डैट कि एवरी पासिंग ईयर आई गेन अप 10 kgs। ओके, लाइक सिक्स में आप 60-70, हाँ हाँ बिल्कुल, नाइन्थ में 90-100, हाँ बिल्कुल, ऐसे ही इन द वाई इज इक्वल टू एक्स का लीनियर ग्राफ बन रहा था। और हर तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर मुझे करियर के बारे में थोड़ा सोचा, तो मैं जेई एडवांस की तैयारी करने के लिए कोटा चला गया, और वहाँ पे मेरा घर के खाने से पीछा छूट गया बिल्कुल, हाँ। तो मैंने सारा फोकस अपना जंक फूड पे शिफ्ट कर दिया, तो फिर वहाँ पे जो मेरा वेट गेन है वो बहुत तेज़ी से हुआ। तो मैं जब कोटा से वापस घर आया तब तक मैं 135-140 किलो के बीच में आ चुका था। अच्छा, सो व्हाट वाज द मेन रियलाइजेशन, वो कौन सी रियलाइजेशन कब और कैसे आई जब आपको लगा कि हाँ अब मैं मोटा हो गया हूँ और अब मुझे वेट लूज़ करना चाहिए? रियलाइजेशन तो पहले से ही थी, लेकिन और सारे फैक्टर्स थे जो हम मुझे काफ़ी वो की मूव ऑन किए, जैसे कि जब कॉलेज सारे एग्ज़ाम्स मैंने दे दिए, कॉलेज में जाने की बारी आई, तो फिर मुझे लगा यार अब कॉलेज जा रहे हैं, जब कॉलेज जा रहे हैं तो थोड़ा सा कूल आना चाहिए, क्यों पढ़ाई तो हो गई है, अब कॉलेज लाइफ भी इंजॉय करना चाहिए। तो फिर यही बात हुई कि फिर मैंने सोचा, एक महीने पहले मैंने कॉलेज के जिम ज्वाइन कर लिया, लेकिन फिर मुझे कोई अच्छा कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा था, कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा था, और मैं भी खाने से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। अच्छा, तो फिर आपको लगा कि अब बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहे हैं इसमें? हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व, जैसे हेल्थ इश्यूज भी होने लगे थे अच्छा, मुझे थोड़ा थोड़ा चेस्ट पेन होने लगा था बिल्कुल, और कहीं पढ़ने मन नहीं लगता था, और एक जगह बैठे जाते थे, थोड़ा बहुत चल लिया तो सांस फूल आती थी, तो ये सारे हेल्थ इश्यूज थे। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मेरा लूज हो रहा था बिल्कुल, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब और ये सारी फैक्टर्स, सारे जो हेल्दी ओबीज लोग होते होंगे सबके चीज़ सब में ये कॉमन रहता होगा, हाँ, ये सब प्रॉब्लम्स होना। अरे बिल्कुल कॉमन रहता है, जितने भी ओबीज लोग होंगे आप उनसे पूछ लीजिए, कहीं रास्ते में निकलते होंगे, अगर बड़े शहर की बात हुई, मैं तो छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ, लखनऊ दिल्ली ये सब में लोग थोड़ा अडॉप्ट कर चुके हैं, लेकिन अगर हम छोटे सिटी टाउन से आते हैं, मैं जब भी बाहर निकलता था लोग मुझे ही देखते रहते थे, किसी फंक्शन में जाता था मैं तो फैमिली फंक्शन तक अवॉइड कर देता था, तो इसीलिए मैं सोचा कि अब पतले हो जाना चाहिए। लोग पहले बहुत बोलते थे कि हाँ बेटा बहुत मोटे हो गए हो या बहुत ज़्यादा वेट इंक्रीज हो गया है, लेकिन जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं आया तब तक नहीं होता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ रियलाइजेशन, चाहे कोई भी एस्पेक्ट हो लाइफ का। सो कितनी लंबी रही है आपकी ये जर्नी आपकी फैट लॉस की, और क्या लगता है आपको अभी आप फिट हैं? देखिए, फिट तो एक स्टेट ऑफ माइंड है, बिल्कुल सही, तो फिट आप जब तक आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, रेगुलर हेल्दी डाइट लेना पड़ेगा, तो फिर आप रेगुलर फिट रहेंगे। अभी वैसे भी मैं आई हैव कम टू हाफ ऑफ माई जर्नी, मैं पूरी तरह से फिट नहीं हुआ हूँ,
लेकिन फिर भी अब ऐसा लगता है कि हाँ मैं अब लोगों के बीच में आ गया हूँ, मतलब फिट लोगों के बीच में आ गया हूँ. सो व्हाट वाज योर फेवरेट फूड? बचपन से तो मैं हर चीज़, आई क्रेव फॉर एवरीथिंग. लेकिन जब मैं कोटा गया तो मेरा फेवरेट फूड पिज्ज़ा हो गया. तो मैं हफ्ते में लगभग 3 बार पिज्ज़ा मंगाता था. तीन बार पिज्ज़ा मंगाता था और एक बार में 4 पिज्ज़ा मंगाता था. तो मतलब हफ्ते का 12 पिज्ज़ा खाने लगा मैं. अब तो लेकिन आप अपनी इतना वेट लूज किया, अब तो आपने खासा दूरी बनाए रखी होगी पिज्ज़ा से कि नहीं अब तो मुझे दूर रहना है उससे. हाँ, यस यस, आई हैव लेफ्ट पिज्ज़ा 18th मंथ. इट्स ओवर 18 मंथ. 18 महीने हो गए आपने पिज्ज़ा नहीं खाए हैं. वो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. लेकिन मुझसे हो जाता है कभी कभार चीट डे पे. नहीं, छोड़ना ही पड़ता है और हेल्दी ऑप्शन चूज करना पड़ता है. नहीं तो अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे और यू डोंट चूज हेल्दी फूड, या तो उससे कोई फायदा नहीं होगा. लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं पीछे आपसे बात कर रहा था, मुझे पता चला कि आपने शुरू के अपने 20 से 25 kgs ऑफ वेट बिना जिम जाए लूज किए हैं. सो व्हाट वाज योर रूटीन एट दैट टाइम? क्योंकि बहुत लोगों का मानना है कि लगभग वेट लूज करना है तो जिम इज द प्राइमरी सोर्स. नहीं नहीं, ये गलत चीज़ है. जिम लोग मोटापे के चक्कर में पहले लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा गलत चीज़ है. पहले उनको थोड़ा मेंटल और फिजिकल दोनों प्रिपेयर होना पड़ता है जिम में आने के लिए. वो क्या, मैंने बहुत लोगों को देखा है, अपने कॉलेज में ही बहुत लोगों को देखा है. वो लोग पैसे दे देते हैं, जिम ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद 10 दिन में 15 दिन में उनका मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है, इररेगुलरिटीज़ आ जाती हैं और उसके बाद धीरे धीरे बिल्कुल ही जिम छूट जाता है. तो मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले कार्डियो, आई स्टार्टेड विद कार्डियो. हाँ, तो फिर मेरा उतना मन, तभी मेरा कार्डियो में भी उतना मन नहीं लगता था. तो फिर मैं डिसाइड किया कि लेट्स डू समथिंग इंटरेस्टिंग टू लूज वेट एंड टू पास माय टाइम. तो उसके बाद तो मैंने कई स्पोर्ट ट्राई किए, कई स्पोर्ट्स मैंने फुटबॉल ट्राई किया, बास्केटबॉल ट्राई किया, लेकिन किसी में उतना मज़ा नहीं आ रहा था. तो फिर मैंने बैडमिंटन ट्राई किया, तो मुझे बैडमिंटन थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा. तो आई स्टार्टेड प्लेइंग बैडमिंटन और मेरे कई सारे क्लासमेट्स, मैं बैचमेट्स, वो भी मैं काफ़ी हेल्प किए हम मेरे साथ खेल, जब भी मैं बोलता था तो दे प्लेड विद मी. तो ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही मेरी और उनके साथ भी काफ़ी मज़ा आया. सो व्हाट वाज द चेंज इन योर डाइट? आपके डाइट में क्या चेंज आया बैक व्हेन यू वर 150 kgs टू द टाइम व्हेन यू वर एट योर फैट लॉस जर्नी? देखो, बैक देन I only eat junk food. You only eat junk food. I only eat junk food. घर का खाना भी उतना ज़्यादा prefer नहीं करता था मैं. ये इंडियन जंक फूड हो गया, पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब हो गया. मतलब कैलोरीज इनटेक बहुत ज़्यादा, कैलोरीज इनटेक बहुत और बर्न बिल्कुल नहीं हो रही. और अब सबसे बड़ी चेंज ये आई है कि मैं हेल्दी ऑप्शन चूज कर दिया. मतलब मैंने बहुत सारे डाइट ट्राई किए. मैंने कीटो डाइट ट्राई किया, मैंने एप्पल डाइट ट्राई किया, मैंने प्रोटीन डाइट ट्राई किया. मैं काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अपने बॉडी के साथ और फिर जो मुझे अच्छा लगा, जिस तरह मेरी बॉडी अडॉप्ट हुई. यहाँ बहुत लोग होंगे जो डाइट प्लान चूज करना चाहते होंगे, उनको देखना होगा कि उनकी बॉडी किस तरह रिस्पॉन्ड करती है, किस एक्सरसाइज पर रिस्पॉन्ड करती है, किस डाइट पर रिस्पॉन्ड करती है. तो इन सबको, उन सबको ये सब देखना पड़ेगा. मैंने भी अपने बॉडी के साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, लेकिन ये कभी कभी मैंने एक्सट्रीम डाइट्स भी लिए जो मुझे लगा नहीं लेना चाहिए था, उससे बॉडी की स्ट्रेंथ चली जाती है. तो फिर जब मैंने एक्सपीरियंस के साथ सब कुछ पता चलता है, तो फिर मैंने 20-25 किलो जब मैं कार्डियो से लूज कर चुका था, फिर मैंने स्ट्रेंथ के लिए जिम ज्वाइन कर लिया. तो मुझे जिम ज्वाइन किए 4-5 महीने हो गए हैं, फिर भी रेगुलर नहीं हो पाता मैं. लेकिन अब होम में, सो डू यू थिंक दैट न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस फैट लॉस, या फिर कि सिर्फ कार्डियो और एक्सरसाइज से ही काफ़ी है हमारे लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल. बिना हेल्दी डाइट के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है. मतलब आप कितना भी एक्सरसाइज कर लें, आप जैसे आप देख लीजिए, आप मेल एडल्ट रिक्वायर 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन डेली, इतना तो ये फैक्ट है. तो 2000 किलो कैलोरी के डाइट के हिसाब से, तो अगर आपको फैट लूज करने के लिए प्रोटीन हमेशा आपकी बॉडी रिटेक नहीं करती है, वो आपको आप फ्लश आउट कर देती है तो एक दिन के अंदर या जो भी हो. तो उसके बाद तो आपको प्रोटीन चाहिए और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, मान लीजिए आप वेट लूज करने के लिए 2-3 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं,
तो फिर आपको आपको डेली रिक्वायरमेंट इसलिए 50 ग्राम है, आप जैसे ही 2-3 घंटे एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी 100 प्लस हो जाती है। अब 100 प्लस रिक्वायरमेंट के लिए आपको प्रोटीन रिच इन प्रोटीन लेना ही पड़ेगा। आपको जंक फूड्स, समोसा, बर्गर, पिज्ज़ा या और भी नूडल्स ले लीजिए या फिर मैगी ले लीजिए जो लोग खाते हैं, करना पड़ेगा। मतलब उसमें नहीं मिलता, और अगर आप उससे लेना भी चाहेंगे तो आपकी कैलोरीज एक्सीड बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाएंगी। हाँ। उतने ही डाइट फूड में आपको हेल्दी फूड में जितना प्रोटीन मिल जाएगा उसी कैलोरीज में आपको जंक फूड में ट्रिपल या 4 टाइम वही फूड खाना पड़ेगा तो जाके उतना प्रोटीन मिलेगा, विच इन टर्न गेन बहुत ज्यादा कैलोरी और फैट आ जाएगा। लेकिन उसमें सो डू यू फील दैट एक्स्ट्रा पॉजिटिव एनर्जी आफ्टर ड्यूरिंग दिस वेट लॉस? और सबसे इंपॉर्टेंट आपके मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था, क्योंकि आप कॉलेज में रहते थे जैसा आपने बताया, कॉलेज में रहने के बाद जब आप उन्होंने अचानक से आपको देखा तो उनका रिएक्शन कैसा रहा? नहीं, मम्मी पापा तो बहुत खुश थे, मम्मी पापा सारे रिलेटिव्स बहुत खुश थे। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, मैं अपने नानी के यहाँ गया था और मैं अपनी नानी से 1 साल बाद मिल रहा था और फिर मैं गया उनको बोला, नानी को नमस्ते किया, पैर छुआ, वो पूछने लगी कौन हम बोले नानी मैं अनुभव बोल रहा हूँ, तो वो बोली अनुभव, एक दो बार देखी, उसके बाद बोली अरे इतना पतली बहुत ही स्ट्रेंज रिएक्शन था, बहुत खुश भरा रिएक्शन रहा होगा, बहुत स्ट्रेंज रिएक्शन था वो। और मतलब मुझे भी अभी वो इंसिडेंट याद है, मैं घर जाके सबको बताया कि मेरी नानी खुद नहीं पहचान पाई मुझको। और मम्मी पापा का रिएक्शन कैसा रहा? मम्मी पापा का रिएक्शन तो बहुत पॉजिटिव था, बहुत अच्छा था। और अब मम्मी पापा जैसे मेरे अंदर वो लोग अब मेरे मुझको लेके कॉन्फिडेंस, अच्छा कॉन्फिडेंट फील हो गए, कॉन्फिडेंट फील हो गए हैं उनको। अब ऐसा भी लगने लगा है कि मैं शायद कुछ भी कर सकता हूँ, तो शायद नहीं कर भी सकता, लेकिन अब वो लोग कॉन्फिडेंट हो गए, उनके अंदर भी एनर्जी आ गई है। सो द फाइनल क्वेश्चन इज दैट इफ अ पर्सन लाइक यू, आपकी तरह जैसे आप पहले थे, जैसे मैं भी पहले था शायद, अगर कोई मोटा पर्सन, एक्सट्रीम ओबीस पर्सन आता है आपके पास और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मुझे भी वेट लॉस करना है, अगर आप सो व्हाट वुड बी द मेन सजेशन और टिप्स उन्हें क्या देना चाहेंगे कि हाँ वो भी कर सकते हैं, और उनके अंदर बिलीव कैसे लाएंगे, मोटिवेट कैसे करेंगे आप? मोटिवेशन तो मैं अपने एग्जाम थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस उनको बताऊंगा। और मेन रीज़न भी होता है ना कि क्या बोलते हैं, बहुत सारी रीजन्स होते हैं, टेंशन होता है, टेंशन में बहुत लोग होता है कि भूख ज़्यादा लगने लगती है या फिर वो लोग खाते रहते हैं जिससे वो एक्सट्रीम ओबीज हो जाते हैं, और किसी को थायराइड प्रॉब्लम भी होती है। अच्छा, हाँ ये भी रीज़न होता है, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था, तो मैं पहले उनको चेकअप करवाने को बोलूँगा। हाँ, जब वो कुछ रिजल्ट नहीं आएगा और वो फैट गेन कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा कैलोरीज इनटेक करके, तो मैं फिर बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस, अपने डाइट्स कैसे मैंने वेट लॉस किया, आपका कैसे कार्डियो चालू किया, उसके बाद कैसे जिम किया। हाँ। तो फिर ये सारी जर्नी में बताऊंगा। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ व्यूवर से कि अगर आपको वेट लॉस करना है, हाँ, आपके अंदर मोटिवेशन, आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, आप कहीं बाहर से मोटिवेशन नहीं प्रोवाइड होगा आपको, ये बहुत ज़रूरी है, सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। आप अंदर से अपने इनर बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब लाएंगे तो ही आपका वेट लॉस हो पाएगा। सो इट वॉज़ अ वेरी नाइस मीटिंग यू, और साथ ही साथ मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इन्होंने वेट लॉस नहीं किया है बल्कि ये पढ़ाई में भी बहुत ध्यान दे रहे हैं, साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। अगर आप चाहें तो इनका इंस्टाग्राम फीडबैक चेक कर सकते हैं, मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम की। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर वो थम्स अप आइकन दबाइएगा, और अगर आपके जान पहचान में कोई भी हेल्दी ओबीस पर्सन है तो उसे ज़रूर ये वीडियो शेयर करिएगा, और आपको अच्छा पसंद आया तो सब्सक्राइब बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा बेल आइकन के साथ। इफ़ यू वांट टू से एनीथिंग यू कैन से स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। इट वॉज नाइस मीटिंग यू, होप टू मीट यू अगेन। 3, 2, 1, बाय।